हेलो, मैं आकाश कुमार टेकडेफी के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने डिफरेंट एग्जामिनेशन जैसे एसएससी जेई, यूपीआरवीएनएल जेई, उत्तराखंड जेई, डीएमआरसी, इसरो और कोल इंडिया में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पूछे गए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। 1 kg फोर्स इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन इसरो सतीश धवन 12/2/2017 में पूछा गया था। तो 1 kg ऑफ फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिंपल पेंडुलम इज, तो सिंपल पेंडुलम का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, तो वो होता है 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, तो कौन सा इनमें से है यूनिट ऑफ एनर्जी, तो ये सारे ही यूनिट ऑफ एनर्जी हैं, जूल, न्यूटन मीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। Which of the following is a vector quantity? तो इनमें से कौन सा vector quantity है, तो momentum। आप लोग में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये जो questions हैं, ये इतने छोटे छोटे questions अब नहीं पूछे जाते हैं, पर actually ये सारे questions पूछे जाते हैं और ये सारे questions पीछे examinations में पूछे गए हैं। हमारे साथ यही problem है कि हम छोटे छोटे questions को ignore करने लगते हैं और यही ignorance हमारे result के ना होने का कारण बन जाता है। तो काइंडली फोकस करें वीडियो पे, और ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस के ही हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको फायदा करेगा ही, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑल द फोर्स इन कॉन्करेंट सिस्टम इज, तो क्या हो जाएगा इसका, एट वन पॉइंट। द फोर्स एक्टेड ऑन अ रोप इन अ टग ऑफ वार इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है कोलिनियर फोर्स का। अब वेरिगंस थ्योरम इज रिलेटेड टू, तो वेरिगंस थ्योरम किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से। व्हेन ट्राइंग टू टर्न अ लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लाइड, तो जब हम लॉक को टर्न करते हैं तो उस समय में कौन सा इनमें से कौन अप्लाई होता है, तो ये अप्लाई होता है कपल। विच थ्योरम इज यूज्ड फॉर अ इक्विलिब्रियम ऑफ अ बॉडी अप्लाइड एट 3 कंकरेंट कोप्लानर फोर्स, तो कौन सा थ्योरम लगता है, तो ये होता है लेमिस थ्योरम। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स सिस्टम इन जनरल, हाउ कैन इट बी ब्रॉट टू इक्विलिब्रियम, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो उसे इक्विलिब्रियम में कैसे लाया जा सकता है, तो लाया जा सकता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग अलोंग अ सुटेबल लाइन एंड अ मोमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, ऑप्शन सी। अ कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेस ओनली, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे नहीं, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन एट विच अ बॉडी बिगिन टू मूव डाउन द प्लेन इज कॉल्ड, वह एंगल जिसमें कि बॉडी आमल एंगल पे आने पर ही बॉडी अपने आप स्लाइड कर जाए, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, उस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। इट इज इजी टू रोल अ हेवी सिलेंडर ओवर अ सरफेस बिकॉज, किसी भी हेवी सिलेंडर को रोल करना आसान होता है, वो क्यों होता है, तो क्योंकि रोलिंग फ्रिक्शन इज मच लेस देन काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन से बहुत कम होता है रोलिंग फ्रिक्शन। What is the friction experienced by a body when at rest known as, तो जब कोई body rest पे रहता है तो उसमें कौन सा friction का force, मतलब friction force experience करता है वो body, तो वो होगा static friction, और ये सबसे अधिक होता है, मतलब ये static friction जो है वो greater होता है किससे, kinetic friction से, और greater होता है किससे, rolling friction से भी। सबसे पहले सबसे ज्यादा होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, फिर होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर होता है रोलिंग फ्रिक्शन। और डायनेमिक फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन इज, तो डायनेमिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन के कंपैरिजन में कितना होगा, तो होगा कम होता है, डायनेमिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के रेशियो को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अ बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, द इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन विद द हॉरिजेंटल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, द बॉडी विल बी, तो बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम।
The maximum value of friction force when the motion is impending is known as, तो उस maximum friction force को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे limiting friction. The efficiency of a screw jack is maximum when, तो efficiency screw jack का maximum कब होगा, जब alpha A is equals to 45 minus phi by 2 होगा. A simple lifting machine having an efficiency less than 50% is known as, इसकी efficiency जिसके 50% से कम हो, उसे कौन सा machine कहेंगे, तो उसे कहेंगे non-reversible machine. The deformation per unit length is called, तो deformation per unit length को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं strain. When a body slide down on an inclined plane, the acceleration F of the body is given by, किससे दिया जाता है, तो दिया जाता है F equals to G sin theta से. How can the resultant of two equal force P makes an angle theta be equal as, तो किससे equal होगा, तो होगा 2P cos theta by 2. At what efficiency a machine is called as an ideal machine, कितनी efficiency होनी चाहिए ideal machine के लिए, तो वो होना चाहिए 100%. What is the maximum efficiency of a lifting machine, तो maximum efficiency lifting machine की कितनी होती है, तो ये हो जाती है 1 by M. Thank you, अगर आपको ये video अच्छा लगा और इसके कलेक्शन अच्छे लगे, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट कर बताएं कि आपको कौन से टॉपिक पे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए. मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर सकूं. और हां, मैं हर दिन ही लेक्चर अपलोड करता हूं, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, ताकि आप प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस को पा सकने के लिए. थैंक यू.